जानता हूँ तो शेड्यूल कास्ट लड़की है, लेकिन तू जो है क्यों MBA करने स्कूल में चली गई? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे है, ऊट पटांग आपको जो पसंद है वही सवाल मत रहे, चल भाग अपना भाग। बदतमीजी नहीं है? बदतमीजी है, जा रिपोर्ट कर थाने में। ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। आपने हाथ खींच के क्या किया? अबले अभी बुला रहा हूँ, चल ले। कहीं गुलाम होती बकवास कर रही है, मनुस्मृति ना होती मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? मनुस्मृति को लागू करना चाहती है क्या? रुक जा भाई, जा से बात कर ले। सवाल पूछना क्या गलत है? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे है, ऊट पटांग। आपको जो पसंद है वही सवाल आप। अरे हमारा ये पसंद नहीं है क्या? मनुस्मृति को मैं तुझसे ही सवाल करना चाहता हूँ, तू अच्छा मानती है क्या? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर। तेरे लिए ये है, मैं जानता हूँ तू शेड्यूल कास्ट लड़की है, लेकिन तू जो है क्यों MBA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है, तू क्यों ये पैंट शर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पहन? अरे निजी राय है, तेरा निजी है। मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले, अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुड्ढे आदमी से बात कर रही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदतमीजी कर रहे? अरे बदतमीजी तो तू कर रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। मत रहे, चल भाग अपना, भाग। बदतमीजी नहीं? हाँ बदतमीजी है, जा रिपोर्ट कर थाने में। लेकिन भंता जी, हमारे देश में संविधान लागू है, महिलाएं हमारे देश में आ जाए ना। नहीं नहीं, हो गया हो गया, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। चल चल, अरे चल बेटा, ये बदतमीजी है। अरे चल बेटा, आपने किया ये बदतमीजी। अरे तू लड़की है, मेरी गोद में खाया है तुझे मैंने, ये बदतमीजी क्या है? चल 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 चल, ये बदतमीजी। आज के बाद में से बाइट लेने मत आना, बोल रहा हूँ तुझे। और सुन सुन, इस तरीके से सुन, पहले तू कैसे क्वेश्चन करती है? मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे मनुस्मृति की हिमायत करती है, अरे तो मनुस्मृति को मानना। कौन तुझसे मना कर रहा है? तेरा काम कुछ नहीं है, तो मानना। अरे अरे तुझसे कौन मना कर रहा है? अरे रुक जा यार, तुझसे कौन मना कर रहा है कि मनुस्मृति को मत मान बेटा, तो मानना। अरे मानना, अरे मानना, 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 मान तो सही, मानती क्यों नहीं है? काहे को पेंट पहन के आई है? काहे को बाल बिखेर के आई है? अरे मानना, कौन मना कर रहा है? आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। आपसे सवाल ही तो पूछ रही हूँ, सवाल ही तो पूछ रही हूँ। इतनी मिर्ची लगती है तो क्यों आते हैं जवाब देने? बंदे जी, तुझे नहीं आए जवाब देने? तुझे जवाब देने नहीं आए? अरे तुझे तो बुलाया भी नहीं है, जबरदस्ती आ गई। तुझे नहीं बुलाया मैंने, इन तीन लोगों को बुलाया था। बंता जी, अभी आपने हाथ खींच के क्या किया था? सुनो यार, अरे लड़की है हमारी, अब बुलाया अबले अबले अभी बुला रहा हूँ, चल ले ले। ओके बंते जी, अरे नहीं ये मेरी लड़की है। नहीं लड़की है लेकिन समझे। चल 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 बंते जी, अरे चलो बंते जी, चल आजकल की चल। हाँ बोल बोल, अब कर क्वेश्चन। अरे करना क्वेश्चन, छोड़ो ना, आप मेरे सवाल झेल नहीं पाएंगे। अच्छा चल ले, बोले झेल तो राम, पूछ पूछ। अरे पूछ, आ जा पूछ पूछ। हाँ चल चल चल, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ चल, हाँ चल, हाँ चल। भंते जी, बहुत सी महिलाएं अभी भी मनुस्मृति को पढ़ रही हैं, मनुस्मृति को ढो रही हैं बहुत सी महिलाएं, क्या कहोगे उनके लिए? मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण की महिला ही नहीं, क्षत्रिय की महिला ही नहीं, वैश्य की महिला ही नहीं, शूद्र महिला ही नहीं, सारी महिलाओं के लिए उसमें प्रतिबंध लगाया है। सारी महिलाओं को शूद्र बताया है, सारी महिलाओं के लिए कहा गया है स्त्री शूद्रो नाद्यताम समणे तबजत पर पुराम धारणा शरीर भेदो चाणे के आचित। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मनुस्मृति का स्त्री और शूद्र के लिए विद्यावर्जित है। कुछ महिलाओं ने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था देश में बाबा साहब के। हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, बाबा साहब के पुतले जलाए थे, बाबा साहब के झंडे जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी थी उसको जलाया था। बाबा साहब का विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा साहब की मूर्ति लंदन में लग रही है, फ्रांस में लग रही है, पूरे जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर लग रही है। बाबा साहब का विचार
मूर्ति तोड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब का जो विचार है, वो जब तक रहेगा जब तक ये सूर्य और चांद और समुद्र रहेंगे तब तक रहेगा। बाबा साहब इतना काम करके गए। संविधान लागू होने के बाद में सारे ग्रंथ जो है खत्म हो गए हैं, ये कौन लोग जो मनुस्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं? मनुस्मृति को वो लोग, भाई हमारी बात सुनो, मनुस्मृति को वो लोग जिंदा रखना चाहते हैं जिन्होंने हजारों साल से मलाई खाई, जिन्होंने हजारों साल को 90% लोगों को गुलाम बनाया, जिन्होंने हजारों साल बिना करे धरे, बिना परिश्रम के, बिना खेती करे अनाज भी लिया, दाल भी ली, आटा भी लिया, खाने के घी भी लिया, सारा साधन लिया, और मनुस्मृति के आधार पर वो मनुस्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं जो शूद्रों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो MP न बने, MLA न बने, कलेक्टर न बने, IPS न बने, IAS न बने, IPS न बने, उन लोगों के लिए उन्होंने ये किया। वो लोग इसको चाहते नहीं, वो नहीं चाहते कि शूद्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो चाहते हैं। यहाँ पर 2018 में संविधान की कॉपी जलाई गई थी जंतर मंतर पर ही। मुझे मालूम है, मैं आया था यहाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था KP चौधरी ने और सारे लोगों ने, मैंने दिया था। संविधान कौन जला रहे हैं? वही पांचों चारों के चारों ब्राह्मण थे, उसमें एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं था, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी पारसी नहीं था, एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था। वो लोग थे जो आज जिनकी कुर्सी हिल रही है सामाजिक दृष्टि से, आज उनको तकलीफ मनुस्मृति से नहीं है, आज उनको तकलीफ इस बात से नहीं है, तकलीफ है उन्हें कि आज चमार डॉक्टर बन गया, आज यादव IAS बन गया, आज धोबी खटीक जो है वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, आज वो जो है MP बन गए, राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये उन लोगों को ये तकलीफ है, उनको तकलीफ इस बात की नहीं है, उन्हें सबसे बड़ा डर ये है कि ये यदि सत्ता में आ गए, हुकूमत में आ गए, तो 5000 वर्ष तक हमने जो गुलाम बनाया है ये भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे देश को लोकतंत्र बचाने के लिए करेंगे, जमहूरियत को बचाने के लिए करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, हम संविधान को बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। वही संविधान सफिशेंट है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आज देश में उस संविधान की वजह से यहाँ पर सिख आराम से रहता है, आज यहाँ पर ईसाई आराम से रहता है, बौद्ध आसान से रहता है, बौद्ध जो है, और यहाँ का दलित और आदिवासी, यदि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल और जातिगत आधार पर संविधान बनाते और एक धर्म की बात करते तो आज यहाँ पर ईसाई अपने चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकता था। यदि बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदू राष्ट्र की बात करते तो आज मुसलमान जो मस्जिद में अदा करता है कर नहीं सकता था, और ये यही चाहते हैं कि बौद्ध अपना प्रचार प्रसार न कर सके। ईसाई कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं घाटमपुर क्षेत्र में। उसको तो हमने परसों दे दिया ना इंटरव्यू, बहुत बड़ा देखना आइडिया में आ रहा है। बौद्ध महासभा कहां गई? अरे अब तक तो 6 लाख लोगों ने सुन लिया, उसे देख। अरे कहां गए? अरे मेरी बात सुनो, संस्था यहाँ भी इस कार्यक्रम में आएंगे, मैं ज्यादा तो नहीं कहता। आज जो हिंदू है वो बौद्ध बना रहा है, कहीं उसका जनगणना में नाम बौद्ध का नहीं है, कहीं भी उसका लिखित में नहीं है, कहीं भी उसका वो नहीं है, समझे, अखबार में रिकॉर्ड नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने नोटिफिकेशन किया है, ना बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया है। आज जो हिंदू लोग हैं वो बड़े बड़े मंचों से बौद्ध बना रहे हैं। अरे तुम स्वयं तो बौद्ध नहीं हो, उन और लोगों को कैसे बौद्ध बनाओगे? बौद्ध धर्म की एक प्रक्रिया है, पहले नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसे वहाँ जाके DM के यहाँ वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, अखबार में देना पड़ेगा, फिर आपको एक हल्फनामा देना पड़ेगा, तब बौद्ध बनेगा। बौद्ध का ऐसे है, नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं सन्नगच्छामि धम्मं सन्नगच्छामि संघ, ये बौद्ध थोड़े बनेंगे। इसीलिए यहाँ करोड़ों लोग हर साल, कोई कहता है 2 लाख बौद्ध हमने बना दिए, 50 लाख हमने बना दिए, 1 करोड़ हमने बना दिए, लेकिन उनकी संख्या आज के समय में 8.4% 84 लाख है। कहते हैं 5 करोड़ को दीक्षा हो गई।